केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव जयराम रमेश को कानूनी नोटिस भेजा है। गडकरी की तरफ से यह नोटिस इसलिए भेजा गया है क्योंकि केंद्रीय मंत्री का कहना है कि कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से उन्हें लेकर आपत्तिजनक कंटेंट शेयर किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेताओं को भेजे गए नोटिस में उनसे लिखित तौर पर माफी मांगने को भी कहा गया है। नितिन गडकरी के वकील बालेंदु शेखर ने कहा कि बीजेपी नेता यह देखकर हैरान थे कि एक समाचार पोर्टल को दी इंटरव्यू से 19 सेकंड की क्लिप उठाई गई। इस क्लिप में जो बातें कही गई उसका संदर्भ और अर्थ छिपा हुआ ही रह गया। नोटिस में कहा गया नितिन गडकरी का इंटरव्यू तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और फिर उसे पोस्ट किया गया। इस वीडियो का अर्थ ही छिपा दिया गया है। ऐसे ही हिंदी कैप्शन में एक हिस्से के साथ भी जानबूझकर किया गया। केंद्रीय मंत्री ने मांग की है कि सबसे पहले तो वीडियो को एक्स से हटाया जाए और फिर 3 दिनों के भीतर उनसे लिखित तौर पर माफी मांगी जाए। कानूनी नोटिस में कहा गया ये कानूनी नोटिस आपको एक्स से पोस्ट को तुरंत हटाने के लिए कहता है। कानूनी नोटिस मिलने के बाद किसी भी हालत में पोस्ट को अगले 24 घंटे में हटाया जाए, साथ ही 3 दिनों के भीतर मेरे मुवक्किल से लिखित माफी मांगी जाए। नोटिस में आगे कहा गया अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो मेरे मुवक्किल के पास आपके जोखिम और खर्च पर नागरिक एवं आपराधिक सभी कार्रवाई का सहारा लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। गडकरी के वकील ने कहा कि वीडियो को इसलिए शेयर किया गया है ताकि बीजेपी के भीतर अंतर क्लैफ लाई जा सके। कांग्रेस ने जिस वीडियो को शेयर किया है वह नितिन गडकरी के लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू का है। दरअसल गडकरी देश की हालत को लेकर बात कर रहे थे। इनके इस इंटरव्यू के एक छोटे हिस्से को पार्टी ने एक्स पर शेयर किया और हिंदी में कैप्शन दिया। कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा आज गांव मजदूर और किसान दुखी है। गांव में अच्छी सड़कें नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है। मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी।